हेलो फ्रेंड्स, करियर कैंपस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं नॉलेज सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आओ पढ़ें, अपना भविष्य गढ़ें। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले, अगर आपने इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप उन्हें जाकर देख लें, फिर आपको वीडियो लेक्चर और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिस्थापन का क्या मतलब है? प्रतिस्थापन का मतलब है किसी एक को किसी दूसरे के प्लेस पर स्थापित कर देना, ठीक है। इसको क्या क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या हो जाएगा, किसी एक चर को दूसरे चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करना, ये क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इससे हम किसी रैखिक समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तथा एक और समीकरण है 7x माइनस 15y बराबर 2। ये दो रैखिक समीकरण हैं। इसमें हमें x और y का मान निकालना है, कैसे? प्रतिस्थापन विधि से। अभी आप सीख लीजिए प्रतिस्थापन विधि कैसे होते हैं, उसके बाद फिर हम प्रश्नावली क्या बनाएंगे, 3.3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब प्रतिस्थापन मतलब यहाँ से समीकरण 1 में या समीकरण 2 में से किसी भी x या y के मान को हम पहले निकाल लेते हैं और उसे दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, लिखते हैं समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम x निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y को उधर लेकर जाएंगे, तो हो जाएगा 3 माइनस 2y। यहाँ प्लस 2y है, उस साइड जाएगा तो माइनस 2y। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो समीकरण 3 में हमने x का मान निकाला है, अब इस x के मान को समीकरण 2 में हम क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। जहाँ पे x लिखा हुआ है ना समीकरण 2 में, इस x के मान को 3x माइनस 2y को क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखते हैं क्या, समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2-3 में जो हम x का मान निकाले हैं उसे समीकरण 2 में रख देते हैं। देखिए, समीकरण 2 में लिखा हुआ है x माइनस 15y बराबर 2। अब यहाँ पर देखिए, 7 लिख दिए हैं, x के जगह पर क्या पुट करना है हमको, 3 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो 7 गुने x के जगह पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 15y और बराबर 2, ठीक है। 7 से गुना कर दीजिए, 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 15y और बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 21 यहाँ पर प्लस में है, इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस 14y और माइनस 15y दोनों माइनस में है, तो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा मतलब, तो माइनस 14 और 15 कितना हो जाएगा, 29y बराबर, यहाँ पर 2 बच गया, 21 को उस साइड लेकर जाएंगे, यहाँ प्लस में है तो उस साइड माइनस 21 हो जाएगा, तो माइनस 29 बराबर, यहाँ पे 2 में से 21 घटेगा, माइनस 19 आएगा, राइट। अब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे 29y होगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 और बटा 29, यहाँ पे y के साथ गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, 19 बटा 29 आ गया y का मान। अब जो हमने y का मान निकाला है उसे समीकरण 3 में रख दीजिए, डायरेक्ट x निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। देखिए, y का मान आया 19/29, समीकरण 3 में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, x बराबर 3 माइनस 2 और गुने y का मान कितना निकाले हैं हम लोग, 19 और बटा 29, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 19 दूनी क्या हो जाएगा, 38 और बटा क्या हो जाएगा, 29।
और x बराबर, अब यहाँ पे LCM ले लेते हैं तो तीन के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो यहाँ पे 29 LCM हो जाएगा, एक का पहाड़ में 29 बार में आएगा, 29 को तीन से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 तीय 27 के साथ हाफे में चार, दो तीन दो नीचे और दो 8, 29 तीय 87 हो गया और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 87 में से 38 को घटा दीजिए तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 49 और बटा 29, ये हमारा हो गया आंसर। अतः क्या लिखेंगे, x बराबर आ गया 49 बटा 29 और y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 19 बटा 29, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान है प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अब बनाते प्रश्नावली 3.3। देखिए बच्चों, अब हम प्रश्नावली 3.3 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला का पहला लिखा हुआ है क्या, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण एक और इसको समीकरण दो, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण एक से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ से किसी भी x या y का मान हम यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 और y यहाँ प्लस में उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण तीन। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे समीकरण तीन से x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण तीन में जो x का मान आया है 14 माइनस वाई, इसको समीकरण दो में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण दो क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या लिखा हुआ है 4। अब x का मान है 14 माइनस वाई, तो x के जगह पे क्या लिख देते हैं 14 माइनस वाई लिख देते हैं और माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए 14 प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई और माइनस वाई, तो माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 4 और 14 को उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 14। तो अब यहाँ पर देखिए माइनस 2y और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में से 14 घट जाएगा तो बचेगा क्या माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 10 और यहाँ दो गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो दो पचे क्या हो गया 10, तो y का मान कितना आ गया 5। अब ये जो y का मान निकाले हैं वो क्या करते हैं समीकरण तीन में रख देंगे तो x निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण तीन में रखने पर, y का मान हम कहाँ रख देते हैं समीकरण तीन में, तो समीकरण तीन में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई का मान कितना है 5, तो x इज इक्वल टू 14 में से 5 को घटा देंगे तो 9। अतः हमारा आंसर क्या हो गया, अतः हो गया x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 5, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है सो कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट का सेकंड देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड में क्या लिखा हुआ है समीकरण s माइनस t इज इक्वल टू थ्री, पहला समीकरण हो गया और दूसरा है लिखा हुआ s बाई थ्री प्लस टी बाई टू इज इक्वल टू सिक्स, ये दो समीकरण दिया हुआ है समीकरण एक और समीकरण दो, इसे भी आप आसानी से हैं सो बना सकते हैं, इसे बनाने की आप कोशिश कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने बना लिया है तो ठीक है, नहीं बनाया है तो इधर देखिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अब समीकरण लिखते हैं क्या, समीकरण एक से क्या हो जाएगा एस माइनस टी बराबर तीन, तो टी को उस साइड लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा एस बराबर तीन और प्लस टी, ये समीकरण क्या हो गया तीन हो गया। अब एस का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण दो में रख देंगे तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण तीन में जो s का मान निकाले हैं 3+t, इसको समीकरण दो में रख देते हैं, समीकरण दो लिख लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है s/3 और प्लस टी और बाय 2 इज इक्वल टू 6, s का मान क्या है 3+t है और बटा 3 और प्लस क्या हो जाएगा t/2 और बराबर क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या करो, LCM ले लो, LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6
एलसीएम हो गया, ठीक है, तीन दूनी छः एलसीएम हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन का पहाड़ा में छः कितना बार में आएगा, दो बार में, तो दो से ऊपर को गुना कर दीजिए, तो दो से गुना कर देंगे किसको, थ्री प्लस टी को। मैं गुना करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, दो से गुना करने पर क्या हो जाएगा, तीन दूनी छः हो जाएगा, और प्लस दो से टी को करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू टी हो जाएगा, ठीक है, टू टी। और उसके बाद फिर प्लस दो का पहाड़ा में छः कितना बार में आएगा, एक तीन बार में आएगा, तीन को टी से गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री टी हो जाएगा, और बराबर क्या हो गया, छः, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छः और प्लस तीन टी और दो टी, यहाँ पे हो जाएगा पाँच टी, और बराबर। अब यहाँ पे देखिए इसको एक से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, लेकिन इसको छः से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, छः को छः से तो छत्तीस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिक्स को उस साइड लेकर जाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइव टी बचेगा इज इक्वल टू छत्तीस, और छः यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस छः, तो क्या हो जाएगा, फाइव टी, सिर्फ टी लिखते हैं, टी इज इक्वल टू छत्तीस में से छः बचे तो क्या हो गया, तीस, और पाँच यहाँ गुना में था, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो पाँच छः क्या हो गया, तीस, तो टी का मान कितना आ गया, छः आ गया। तो अब यहाँ पे फिर लिखते हैं टी का मान समीकरण कहाँ रख देते हैं, तीन में रख देते हैं, समीकरण तीन में रखने पर देखिए टी का मान छः आया है, इसको समीकरण तीन में रख देंगे तो टी का मान छः रखेंगे तो डायरेक्ट एक्स एस का मान निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू थ्री प्लस टी लिखा हुआ है, टी का मान क्या लिखे हैं, हम टी का मान छः लिखते हैं, तो एस बराबर थ्री और प्लस छः बराबर क्या हो गया, नाइन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अतः एस बराबर कितना हो गया, एस बराबर हो गया नाइन, और टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आ गया आपका छः। ये हो गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर बनाते हैं, ठीक है, नोट करें। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड में दिया हुआ है दो समीकरण, 3x-y इज इक्वल टू 3 और 9x-3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखते हैं समीकरण एक से क्या हो जाएगा, 3x-y इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, 3xy को उस साइड लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, उस साइड लेकर जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू, उधर लेकर जाएंगे तो y प्लस में हो जाएगा 3+y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3+y और by 3, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसको कर देते हैं समीकरण तीन, फिर से वैसे ही लिखते हैं जैसे अभी तक लिखते आए हैं, समीकरण तीन से x का मान समीकरण दो में रखने पर देखिए समीकरण तीन से ये मान है तो समीकरण दो में रख देते हैं। समीकरण दो में क्या लिखा हुआ है, 9x-3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखिए 9x लिखा हुआ है तो 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 3+y/3 और -3y इज इक्वल टू 9। तीन से इसको काट देते हैं, 3 × 9 और 3 से ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 3 × 9 और 3 को y करेंगे तो 3y और -3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए ये क्या हो गया, ना x बचा ना y बचा, ऐसा क्यों हुआ भाई। देखो ऐसा इसलिए हुआ, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए अगर किसी समीकरण में, a1 b1 c1 क्या है, समीकरण जो एक है उसका x का y का कोफिशियंट है, मतलब गुणांक है, और यहाँ c1 क्या है, अचर पद है। उसी तरह से समीकरण दो में x का गुणांक 9 है a2, और b2 क्या है, y का गुणांक -3 है, और c2 क्या है, अचर पद 9 है। अब यहाँ पे देखिए a1 अगर रख देंगे यहाँ पर 3 और a2 क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू b1 क्या हो जाएगा -1 और b2 क्या हो जाएगा -3 और c1 क्या हो जाएगा 3 और c2 क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3 = 9 देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर आ गया, आ गया ना। तो इसके लिए क्या होता था, अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो समीकरण के क्या होते हैं, समीकरण के अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते
हैं, अनेक हल होते हैं। अनेक हल होने के कारण यहाँ पे कोई एक वैल्यू एक्स या और वाई का, एक्स या फिर वाई का नहीं आया है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। देखिए फर्स्ट का 4, अब यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। फिर से वैसे ही लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, 0.2x और प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब यहाँ पे 0.3y को उस साइड लेकर जाते हैं, किसी को भी लेकर जा सकते हैं, x को या फिर y को। तो 0.2x और इज इक्वल टू 1.3, 0.3y वाला जो टर्म है उसको उस साइड लेकर जाएंगे, यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में 0.3y माइनस में हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, अभी नहीं, 0.2 यहाँ गुना में है, उसको उस साइड लेकर जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y और बटा क्या हो जाएगा, 0.2। ये क्या हो गया, समीकरण 3। ये जो समीकरण 3 है इसका मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं, x का जो वैल्यू निकाले। अब यहाँ पे लिखो, लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। देखिए x का मान जो हम निकाले हैं समीकरण 3 में, इसको समीकरण 2 में यहाँ पे x के जगह पे रख देते हैं, लिखते हैं 0.4x और प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। एक्स के जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 0.4 इंटू गुना हो जाएगा क्या, 1.3 और माइनस 0.3y और बटा नीचे क्या हो जाएगा, 0.2। ये हो गया। अब क्या बच गया यहाँ पे, प्लस 0.5y बच गया इज इक्वल टू 2.3। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कैसे होगा, इसको पहले काट देते हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ भी, एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ भी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, 13 2 26 हो जाएगा, 2.6 और माइनस 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0. क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये y हो गया और प्लस 0.5y हो गया इज इक्वल टू 2.3। 2.6 है यहाँ पे प्लस में, उसको उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और यहाँ पर देखिए कौन अधिक है, माइनस 0.6y की माइनस 0.5y, ऑफकोर्स माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का साइन देंगे और 0.6 में से 0.5 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 0.1y, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद फिर 2.3, इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस 2.6। अब यहाँ पर देखिए माइनस 0.1y हो गया इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 2.6, यहाँ पे 2.6 माइनस में है ज़्यादा है और 2.3 प्लस वाला कम है तो माइनस का साइन देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 6 में से 3 चला गया तो बचेगा 3 और यहाँ पे 0.3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.3 अपॉन 0.1। अब देखिए एक डिजिट के पॉइंट बाद पॉइंट नीचे में भी, एक डिजिट के बाद पॉइंट ऊपर में भी, तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 0.3 और 0.1 ऐसे लिखा हुआ है तो नीचे से पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे नीचे से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/1 = 3। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट से पॉइंट ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच गया 3, वाई का वैल्यू 3 आ गया। अब वाई का मान समीकरण है सो आप 3 में रख दीजिए, ठीक है। लिखते हैं क्या, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो समीकरण 3 में क्या लिखा हुआ है, देखिए x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई क्या है, 0.2। y का मान कितना है, 3 है, यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, 1.3 माइनस 0.3 और गुने y का मान कितना निकाले हैं, y का मान निकाले हैं 3/3 और नीचे में क्या हो जाएगा, 0.2। यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखिए 3 3 9 तो हो जाएगा 1.3 माइनस 3 3 9 तो 0.9 और बटा नीचे में हो जाएगा 0.2। अच्छा बताइए
13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 1.3 है और 0.9 वो हटा रहे हैं, तो 0.4 बचेगा, तो हो जाएगा क्या 0.4 और बाई 2 0.2। फिर से इसको काट देंगे, पॉइंट से पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ, एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ, तो ऊपर 4 बचेगा, नीचे 2, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो 2 आंसर हो गया। तो एक्स निकल गया 2 और वाई निकल गया 3। इस तरह से आपको अभी तक हम 4 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बता चुके हैं, आप इसे नोट करें, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। इसको भी बाकी समीकरण जैसे अभी हम हल कर चुके हैं उसी तरह से इसको भी करना है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, √2x और +√3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ √2x रहने देते हैं और √3y को उस साइड लेकर जाएंगे, तो −√3y हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा −√3y और अपॉन क्या हो जाएगा √2, ठीक है। ये क्या हो गया समीकरण 3। फिर से लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 में जो x का मान निकाले हैं समीकरण 2 में x के जगह पर पुट कर देते हैं, ठीक है। लिखिए समीकरण 2 क्या है, √3x − √8y बराबर क्या लिखा हुआ है 0, √3 लिख देते हैं, वैसे ही x के जगह पर क्या लिखेंगे, x के जगह पर लिखेंगे −√3y/√2, ये हो गया, और माइनस क्या हो गया √8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर देखिए √3 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो याद कीजिए √3 × √3 क्या होने वाला है, √3 × √3 3 होता है, ठीक है, आपको पता होगा। अब यहाँ पर √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, और बाय वाई, बाई क्या हो जाएगा √2 और −√8y = 0। अब यहाँ पर देखिए √2 लिखा हुआ है, तो नीचे में डिनोमिनेटर में मतलब यहाँ पे हर में लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे LCM ले लेते हैं, ठीक है। LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे LCM ले लेंगे तो हो जाएगा √2। अब यहाँ से देखिए −3y हो जाएगा और −√2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा √8 और √2, तो हो जाएगा 8 × 2 = 16, 16 का रूट हो जाएगा, 16 का रूट क्या होता है 4 होता है, तो इसको लिख सकते हैं क्या 4y और बराबर 0, √2 यहाँ भागा में है उधर जाएगा 0 के साथ गुना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा −3y और −4y और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, −3 और −4 −7y और बराबर 0 हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या हम, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं y = 0/7 ऐसा हो जाएगा, माइनस भी उधर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 0/-7 ये हो गया 0, y का वैल्यू क्या हो गया 0, y का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो यहाँ 0 से गुना हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। लिखेंगे क्या y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, बहुत ही आसान है, दोनों का वैल्यू 0-0 आएगा समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में लिखा हुआ है x = −√3y और बटा क्या है √2 है, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x = −√3 और √0 और √2, तो 0 से गुना करने पर कितना भी बड़ा कोई हीरो रहे क्या हो जाता है 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा x = 0 और y = 0, ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए बच गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6। कम से कम एक क्वेश्चन आप इसे खुद से बनाइए, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सब प्रतिस्थापन विधि से सारे सॉल्व करवा दिए हैं, आप सीख भी चुके होंगे इसको। अब एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6, इसको है सो आप खुद से बनाइए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2 समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में लिखा हुआ है 2x + 3y = 11 और 2x − 4y = −24, ये 2 समीकरण हो गया। इसको हमको हल करना है, हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे अभी तक आप बनाते आए हैं वैसे ही बस बनाते रहिए। समीकरण 1 और 2 में x और y का मान निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, 2x और +3y = 11 समीकरण 1 हो गया,
और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, यह समीकरण क्या हो गया, दो हो गया। तो फिर से क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण एक से, समीकरण एक में क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब 3y को उस साइड लेकर चले जाओ तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस क्या हो गया 3y, और x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, और बटा क्या हो गया, दो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, समीकरण तीन। अब उसके बाद समीकरण तीन में जो x का मान है लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण तीन से, समीकरण तीन से कहाँ पर रखना है, समीकरण दो में, समीकरण दो में रखने पर x का मान क्या करते हैं स्टूडेंट्स, x का मान समीकरण तीन से उठाकर कहाँ रख देंगे, समीकरण दो में। समीकरण दो लिख लेते हैं पहले, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो 2 इंटू x का मान कितना है, देखिए लिखा हुआ है 11 माइनस 3y और बटा 2, और माइनस पहले से है 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, माइनस 24। अब यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, अब बचेगा क्या, 11 माइनस 3y और माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब माइनस 3y और माइनस 4y क्या हो जाएगा, माइनस 7y हो जाएगा इज इक्वल टू, उधर है माइनस 24 और 11 यहाँ प्लस में, उधर लेकर जाएंगे तो माइनस 11। देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, माइनस सात वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 24 और माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 35 और बटा 7, 7 बचे 35, तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y का जो मान निकला है उसको समीकरण तीन में रख दो, x निकल जाएगा, लिखेंगे क्या y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण तीन में रखने पर। देखिए बहुत आसान है, ठीक है, y का मान समीकरण तीन में रख दो तो y का मान 5 आया। समीकरण तीन में क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y और बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y का मान 5 है तो 11 माइनस 3 गुने y का मान कितना हो जाएगा, 5 और बटा 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 और बटा 2, 11 में से 15 घटेगा तो माइनस 4 बचेगा और बटा 2, दो दूनी क्या हो गया 4, माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए x का मान निकल गया माइनस 2, अब y का मान 5। अब क्या करना है, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो, x और y का मान निकाल लिए है ना, तो आप यहाँ पे m का मान निकालना है, तो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, लिखते हैं अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, बहुत ही आसान है, y का मान कितना निकालें, 5 निकालें तो 5 लिख देंगे, m का मान यही तो निकालना है हमको, और इंटू x कितना लिखा हुआ है माइनस 2, और ये क्या लिखा हुआ है प्लस 3 है, इसको इस साइड लेकर आ जाओ तो 5 और माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 है इधर आके, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 को m से गुना कर देंगे तो माइनस 2m हो जाएगा, तो 5 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 2 बराबर माइनस 2m। अब यहाँ पर देखिए m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा माइनस 2 यहाँ गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2 बटा माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, तो m बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 हो गया। x हमारा कितना आ गया, x माइनस 2, y 5 और m बराबर 1 माइनस 1, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज का सारा वर्ड प्रॉब्लम, इसमें 5-6 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए स्टूडेंट्स आपको ज़िंदगी में कभी भी वर्ड प्रॉब्लम मतलब जो सिचुएशन दिया हुआ रहता है आयु से रिलेटेड, भिन्नों से रिलेटेड, ये सब एक एक क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी आगे जाके प्रश्न आने वाले हैं वो हमसे हैं सो हल हो जाएंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम के बारे में, तब तक के लिए आप उसे खुद से भी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, आप इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को और अपने आसपास जो अगर वैसे कोई भी बच्चे जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको भी चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि हम इस YouTube चैनल पर हमारे इंस्टीट्यूट के चैनल पर आपको क्लास 10th की पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। तो अभी से आप हमसे हैं सो जुड़े रहिए और अपने दोस्तों और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताइए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।